खबर है रिलीजन पर से, जहां दिन दहाड़े एक पेट्रोल पंप पर सेल्समैन सेसलहे के बल पर 8 लाख रुपए लूट का मामला प्रकाश में आया है। वही ग्रामीणों ने दो संदिग्ध लुटेरों को पकड़ लिया है, उनके पास से नकदी भी बरामद हुई है। ये दुस्साहिक वारदात महाराजगंज कोतवाली क्षेत्र में हुई। वही घटना को लेकर ग्रामीणों के आक्रोश का सामना पुलिस को भी करना पड़ा। काफी समझाने बुझाने के बाद जाकर ग्रामीणों ने बदमाशों को पुलिस के सुपुर्द किया। क्षेत्र के महाराजगंज हैदरगढ़ मार्ग स्थित मां वैष्णो पेट्रोल पंप का सेल्समैन कैश जमा करने बैंक जा रहा था। रास्ते में सवार लुटेरों ने पिस्टल लगाकर 8 लाख रुपए लूट लिए। सेल्समैन की चीख पुकार सुन पेट्रोल पंप के कर्मचारियों ने व ग्रामीणों ने उनका पीछा किया। खुद को घेरता देख लुटेरों कुछ दूर पर ही बाइक छोड़कर पैदल भागने लगे। ग्रामीणों ने फिर भी पीछा नहीं छोड़ा। नारायणपुर मजरे मोहन ग्राम पहुंचे तो एक लुटेरे का चप्पल टूट गया। गांव में कुछ लोगों को बैठे देख लुटेरे ने बहाना बनाया, बताया कि उसकी माँ बीमार है, चप्पल नहीं, उन्हें दिखाने जाना है। इसी बीच गांव के ही पवन साहू के मोबाइल पर लूट की घटना व लुटेरों के इसी गांव की तरफ भागने की खबर आई। युवक को संदिग्ध देख ग्रामीणों ने उसे पकड़ लिया और इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पुलिस व पेट्रोल पंप के कर्मचारी भी पहुंच गए। पकड़े गए लुटेरे के पास से पुलिस ने लगभग 2.5 लाख रुपए बरामद किए। पुलिस द्वारा पैसे कोतवाली ले जाते देख पेट्रोल पंप के कर्मचारी व ग्रामीण रुपए दिलाने को लेकर पुलिस से अड़ गए। इस दौरान पुलिस से कहासुनी भी हुई। ग्रामीण कुछ देर के लिए कोतवाल की गाड़ी की चाबी भी निकाल ली। समझाने के बाद ग्रामीणों ने कोतवाल को चाबी दी। ग्रामीणों के आक्रोश व घटना की सूचना पर मौके पर SP श्लोक कुमार एडिशनल SP पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। SP ने बताया कि पूरे मामले की जानकारी ली जा रही है, जल्द ही वारदात का पर्दाफाश किया जायेगा। महाराजगंज रायबरेली से कोशिश जायसवाल की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? चंद्र प्रकाश सिंह। क्या घटना हुई है? कैश जमा करने महाराजगंज यूको बैंक आ रहे थे तो वही नहर वाले पुल पर लूट हो गई। 8,20,000 रुपए कैश था। कौन जमा करने आ रहा था? कहां से आ रहे? हमारा मैनेजर मां वैष्णो फिलिंग स्टेशन कुशली सागरपुर पेट्रोल पंप। मैनेजर का नाम है दिनेश कुमार सिंह। महाराजगंज में एक मां वैष्णो पेट्रोल पंप पड़ता है, वहां के कुछ कर्मचारी बैंक में पैसे जमा करने जा रहे थे। लगभग 8 लाख रुपए कैश लेके जा रहे थे, तभी मोटरसाइकिल सवार दो लोगों ने इनका पीछा करके इनसे बैग छीन लिया था। उसके उपरांत इनके द्वारा पुलिस को सूचना दी गई और इनके साथ इन लुटेरों की खोजबीन की गई तो कुछ दूर आगे जाकर वो बाइक जिसका कि इन्होंने घटना में प्रयोग किया था वो मिल गई और आसपास फिर कॉम्बिंग की गई तो दोनों जो लुटेरे थे उनको 1 घंटे के अंदर कॉम्बिंग करके गिरफ्तार कर लिया गया। उनके पास से वो मोटरसाइकिल बरामद हुई है, कैश बरामद हुआ है। इनसे पूछताछ की जा रही है और अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। इस पूरे घटना का अनावरण करने के लिए और त्वरित कार्रवाई करने के लिए थाना महाराजगंज की टीम को IG रेंज महोदय की तरफ से 10,000 रुपये का इनाम दिया गया है व मेरे तरफ से भी 10,000 रुपये का इनाम दिया गया है। सर लुटेरों का कोई नाम पता चला? एक लुटेरा है जिसका नाम अखिलेश है और दूसरे का नाम शकील है। इनसे अभी विस्तृत पूछताछ चल रही है। थैंक यू।